हाय लोग, कैसे हो यार। तो आ गया तुम्हारा भाई आज एक मजेदार और खतरनाक वीडियो लेकर के। और इस मैच में एक यूट्यूबर आ गया था जो कि लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था, उसने इस वाले मैच का वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो वो भी आगे आपको दिखाने वाला, दोनों साइड का फाइट दिखाने वाला हूँ। उनकी स्क्वाड से दो बार फाइट भी होने वाली, तो बस तैयार हो जाओ, ईयरफोन वगैरह लगा लो, आज तो कुछ अलग होने वाला है। और भाई वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम हो तो बता देना, वीडियो में प्राइवेट कर दूंगा। खैर जो भी हो, आप लोग भी जाके हेट वगैरह भाई मत देना किसी को, बस मजे करो यार, वीडियो देखो, आगे और भी खतरनाक खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं। इतना गाली दोगे तो ना पूरा गेम खराब होगा। मैं गुस्से में आई लव यू बोल लूंगा अगर इतना गाली दोगे तो। खराब कर दे यार, तू उबड़े, चुप कर। सॉरी सॉरी सॉरी, हां चुप। अब भाई गए, चैनल वगैरह भी देख लो, बाकी अब बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। अब मस्त यहाँ स्नो विलेज पे जा रहे थे, पर हमें क्या पता था कि भाई उतरते इनकी स्क्वाड से हमारी पहली फाइट होने वाली है। देखो अब तब भी सही जा रहा है। अब ये स्नो विलेज पे भाई देखो मजा तो बहुत आ रहा है खेलने में, क्योंकि बंदे धड़ाधड़ आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अब बैठे रहो बंदे नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर एक ही दिक्कत है कि भाई साहब कब कहां से पड़ जाए कुछ नहीं पता। बंदे है पीछे, देखो अब हम बराबर आए। ये गिर जाऊंगी मैं, गिरती थी बच गई। हाँ हाँ क्या होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ मैं वेस्ट हेलमेट ढूंढ रहा था, जो कि भाई नीचे आने के बाद लेवल 2 का मिल जाता है। उतने में ये एक्सूट वाला बंदा यहाँ दिखाई देता है, इसको डैमेज तो देता हूँ पर भैया जी नॉक नहीं कर पाता। वाह वाह वाह, मार दिया। फिर मैं सोचा यहाँ कूद जाता हूँ, लेकिन नीचे से भाई 3-4 बंदों की साउंड आ रही थी, तो थोड़ा सा सबर कर लेते हैं। अब ये भी उन्हीं के स्क्वाड का बंदा था। क्या रखा था यार, शिट। ये देखो अकेले के नहीं यार, और जो अकेली जाओ, मैं तो बोलता हूँ अकेले मत जाओ, आप ही जाते हो, देखो साथ में आ जाओ। अरे यार तुम भी मर गए, अरे तेरे साथ अरे क्या करें। इनके स्क्वाड के दो बंदों की पेटी तुम्हारे भाई ने यहाँ बना दी थी, पर भैया जी दो बंदे अभी और बचे हुए थे जो कि यहीं पे थे, तो अब बारी थी उनकी। अब यहाँ मेरे को आती है सामने से एक बंदे की साउंड, तो फटाफट से पहले मैं स्नो वाले गन से यहाँ बर्फ बनाता हूँ। डैमेज देते ही नेड करना तो बनता है यार। जिद्दी क्वीन को तो यहाँ नॉक कर देता हूँ, बाकी अब उनके साइड का थोड़ा सा आप देख लो पहले। जिद्दी ध्यान से खेलना, इसके चक्कर में मत मर जाना। ये तो नूबड़ा है ये। अरे यार, अरे ये तो वही है प्लेन वाला है। अरे इसके साथ ये है ना पास में, इसलिए लक नहीं है यार, लकी हूँ। पूरा मूड खराब कर रखा है इसने। इसलिए बोलते हैं ऐसे नूबड़ों को मत लिया करो, पता पूरा गेम खराब हो जाता है। अब इसकी साउंड मेरे को आ चुकी थी कि बंदा सैक में बैठा है, पर यहाँ वेट कर रहा था मैं कि ये बाहर आए अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। अब लग तो नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला, तो मैं सोचा कि नेड करता हूँ यार, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला बैठे बैठे। अरे अरे मेरे को छोड़ के चले गए। और इस जगह में भाई जितनी जल्दी हो सके ना फाइट कर रहा हो तो भाई उसको खत्म कर दो, क्योंकि ज्यादा लेट किए तो भाई थर्ड पार्टी हो जाती है। मुझे दिख भी नहीं रहा है। फाइनली यहाँ पे दोनों को फिनिश कर देते हैं, बाकी उनके साइड का भी देख लो आप लोग अब। अरे नूबड़े उसे बचा भी ले। मर गया, लो लो मर गया ना नूबड़ा भी। अब तो मैं अकेला जाऊंगा, तुम्हारी तुम्हारी बद्दुओं से मर गया मैं।
आप लोग को अगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इनकी फाइट यहीं खत्म हो गई तो भाई रुको जरा, सबर करो, क्योंकि आगे जाके दो बार इनसे अभी और फाइट होने वाली है यार, तो बस तैयार हो जाओ। बाकी यहाँ सामने एक बंदा था, नॉक करते हैं। आया। और एक और बंदे की साउंड आ रही थी। दूसरे वाले को भी यहाँ नॉक कर देते हैं। बाकी अगर एक और आया। थोड़ा सा भी मजा आ रहा हो तो भाई नीचे आपको राइट में लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, ठोक दो यार। और जो बंदे भी लाइक नहीं किए अभी तक कर दो, क्या कर रहे हो, इतनी कंजूसी करोगे तुम्हारे भाई के साथ। अब चल के फटाफट से इन बंदों को फिनिश करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लो यार, ये रहा तुम्हारे भाई का अकाउंट। यहाँ पे मैं रील वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ और स्टोरी वगैरह लगाता रहता हूँ। इनको फिनिश करने के बाद चार बंदे यहाँ पे और बचे हुए थे, तो भाई मेरे को लगा वो कहीं और होंगे, तो गाड़ी वगैरह लेके निकलते हैं। पर जैसे ही यहाँ पे आया भाई साउंड आई कि नीचे ही बंदे जो कि मेरे ऊपर कर रहे हैं रस, तो देखते जाओ अब। फाइनली ये लास्ट दो बंदों के साथ ये जगह भाई क्लियर हो गया था, तो अब बारी थी गाड़ी वगैरह उठा के सीधा यहाँ से निकलने की और बंदों पे रस करने के लिए। सबसे पहले यहाँ मेडकिट वगैरह मारता हूँ और निकल लेते हैं यहाँ ये उड़ने वाले घोड़े को लेके। अब यहाँ से मैं गाड़ी ले लेता हूँ क्योंकि भाई उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है, अगर नीचे भाई पूरी स्क्वाड है भाई उसके ऊपर उड़ा रहे हो ना तो वो बंदे आपको बहुत ही गंदा मारेंगे। खैर आते हैं जॉर्जो में, क्योंकि यहाँ चली थी फ्लेयर और भाई यहीं पे उनकी स्क्वाड से फिर से फाइट होने वाली है, और यहाँ मैं सीधा ही ठोक देता हूँ भाई गाड़ी ले जाके। आते ही देखता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने की स्क्वाड को ऑल डेड कर दिया। दो बंदों को यहाँ नॉक कर दिया था, एक बंदे को पूरा फिनिश कर दिया था, लेकिन अभी भी एक बंदा और बचा हुआ था जो कि मेरे आते से वहां सांप बन गया था, और भैया जी नेड वगैरह कर रहा है। और देखो नेड आया शायद तुम्हारे पास, क्या है? अब दिख तो नहीं रहा था कि भाई साहब कहाँ सांप बने हैं, बाकी अब उनके साइड का सीन देखो आप। एक और आया, कोई आया, एक और। ये तो हैकर वैकर है क्या भाई? भाई आप लोग सेफ रहना, सेफ रहना दीदी के। अरे नहीं चढ़ गए इसके चक्कर में, मर गया यार। अरे ये बॉय बंदा है, प्लेन वाला बंदा है। मैंने तो पहले कहा था ये नुबड़ा है, मैंने तो पहले कहा था ये नुबड़ा है। अब खेलते वक्त मेरे को इतना तो आइडिया था कि कोई ना कोई आगे सांप बना जो कि नेड कर रहा है, पर है कहाँ पे ये नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ गाड़ी घुमाता हूँ। पर बंदे का यहाँ अता पता नहीं था, क्यों नहीं था अभी आपको उनके साइड का दिखाता हूँ तब समझ आएगा। अब एक नौकरी का किल भी यहाँ मिल जाता है यार, इसके चक्कर में मारी गई पता है। देखो अरे देखा, अगर तुमने थोड़े नुबड़े जाके फाइट ले, अच्छे से बात सकते, जाके भाग गया, जाके फाइट ले, भाग रहा है, नहीं सकता ना, भी डर रहा है अब तो, क्या चोरी होंगे नहीं। और ये देख M4 में 6x लगा के खेल रहा है, कंट्रोल कर भी पाएगा? वही तो मेरे को अरे। अब ये भाई साहब यहाँ एम लगाते रह जाते हैं, और मैं गाड़ी वगैरह उठा के भाई सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ। और अब चलते हैं जॉर्जो स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि जोन वहीं पे था और भाई फायर वगैरह भी हो रही थी, तो बंदे तो होंगे ये सोच के मैं जाता हूँ। लेकिन मुझे तो लगा था ये वाली स्क्वाड गाड़ी लेके सीधा मेरे मुंह पे ठोकेगी, पर ये तो सामने वाले रिज पे चले जाते हैं। और अब दिक्कत ये हो गई थी कि भाई गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ा था हम लोग का कि लेके भाग भी नहीं सकते हैं।
इस बंदे को तो यहाँ फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अब यहाँ सीन ऐसा हो गया था कि मेरे चारों साइड बंदे थे। इतना अच्छा रिकॉल समझ रखा है खुद का, कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। वो देख ग्लेशियर वाला है, वो ग्लेशियर वाला है वो। इसको पता भी है ग्लेशियर क्या होता है। ये राइट से पिटेगा, देखना राइट से पिटेगा। ये ऊपर में लेटा है ना, राइट से पिटेगा। जैसे यहाँ मुंडी घुमाता हूँ, सामने ओपन में एक बंदा दिखाई देता है। इस बंदे को तो यहाँ पूरा खा जाता हूँ। और अब टाइम आ गया था यहाँ से निकलने का, पर गाड़ी ऐसी जगह मैंने खड़ी की थी कि ले नहीं सकते थे, पर गैरेज में गाड़ी थी। तो फटाफट से आगे स्मोक करते हैं और गाड़ी में बैठा के टीममेट को निकलते हैं यहाँ से। अब गाड़ी लेके यहाँ बंदे ढूंढ रहा था, और भाई एक बंदा मेरे को यहाँ दिखा ग्लाइड करता हुआ, काफी दूर से मैंने देखा था। तो गाड़ी में इसे ऊपर साइड रोकता हूँ, जिससे भाई साहब एक जगह तीन चार बंदे को दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा था कि बंदा आखिर में गया कहाँ। उतने में यहाँ रोड पे एक गाड़ी दिखाई देती थी जो कि मेरे साइड ही आ रही थी। ये वाले स्क्वाड को खत्म करने के बाद यहाँ टीममेट को बचा लेते हैं। बाकी अभी वो यूट्यूबर भाई साहब बचे थे गेम में, जिनसे फाइट होगी आगे जाके, तो बस देखते जाओ। वो पीछे वाले बंदे ने मार दिया। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। और जो बंदे भी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब भी कर लो। एम रखते हैं 20,000 लाइक का, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो यार। अरे ये इनसे मरेगा देखना, जिनसे हम मरे थे ना अभी वहाँ पे, पटरी है, तू मरेगा। अब मेरे को पता नहीं था कि भाई कौन कितने बंदे और कौन साथ वाले हैं। चार बंदे बचे हुए थे, इसमें से एक बंदा मेरे को मैं दिख तो रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। ये घर के छत पे दिखाई देता है। डैमेज तो यहाँ काफी दे दिया था, और अब ये नेड़ देखो बस। मुझे लगा नहीं था कि बंदा नेट से फटेगा, लेकिन फट जाता है यार। सिर्फ यहाँ तीन बंदे बचे हुए थे और गाड़ी में तेल नहीं था, तो मैं सोचा भाई गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा जोन है, बंदे ढूंढने में टाइम लगेगा। पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आना नहीं, इस तरफ से फायर हुआ, थोड़ी किल चुराएगा, मतलब मेरे को मार के। कैसे भी करके गाड़ी वगैरह लेके तो भाई वहां से भाग जाता हूँ। बाकी उस बंदे के साइड का वीडियो देखो, उसके बाद अब सीधा फाइट दिखाएंगे आपको। ठीक है, मेरे एक दोस्त के लॉबी में हैकर आ गया। अब ये मरेगा, नॉक तो दे नहीं पाया। अरे हैक लगा रखा है, सब हैक है, हैक लगा के कर रहा है। कोई बात नहीं, ये आया ना बंदा, ये आया, ये मारेगा इसे, देखना गया खत्म। अब जोन देखने के बाद इतना तो आइडिया हो गया था कि भाई अगला जोन मेरे पास तो नहीं बनने वाला, उस बंदे के साइड बनेगा या फिर कहीं और। तो मैं निकलने की सोच रहा था, उतने में ये छोटे वाले घर में से एक बंदे की साउंड आती है। फटाफट से यहाँ पे अग्नि परीक्षा लेते हैं, और बंदा अग्नि परीक्षा में फेल भी हो जाता है। बाकी अब मेरे को यहाँ भाई साहब निकलना था, और मेरे पास गाड़ी थी नहीं, और गाड़ी जहाँ मैंने खड़ी की थी वहां जाता तो भाई सामने ही बंदा था, वो मेरे को मार देता। तो भाई ये स्क्वाड बोर्ड लेकर निकलते हैं जोन में,
और अब बहुत डर लग रहा था क्योंकि लोकेशन मेरे को नहीं पता था कि बंदे है कहाँ पे। अगर अचानक से सामने बंदा आ गया तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। यही तो होता है ना, इसे दूसरे की बातें सुन सुन के मारनी आती हैं। वही तो। अब मैंने यहाँ देख लिया था कि बंदा अभी भी वही छोटे वाले घर पे जहाँ से मेरे टीममेट को मारा था। तो भाई ऐसे जगह पे आके लेट जाता हूँ मैं कि ना मेरे को सामने से पड़े ना लेफ्ट साइड से पड़े, और राइट में कोई था ही नहीं क्योंकि उधर से मैं ही आया था। आया। जैसे ही देखा बग्गी, मुझे लगा बंदा गाड़ी लेके सीधा मेरे मुंह पे ठोकेगा और मैं नेट मार दूंगा, पर भाई साहब ने गाड़ी आगे रोक दी। इसके गाने सुन, चल बे नुबरे तू कर ले। ये पक्का है थे? देखो इस बंदे को तो मार देता हूँ भैया जी। लास्ट यूट्यूबर भाई साहब बचे थे जो कि मेरे आगे ही होते हैं। ये मौली नेड से जल जाएगा अभी। ये मरने वाला है, मरेगा। देखा अभी तो आ गया ना। अरे ये वही है प्लेन वाला बंदा। अब बंदा जस्ट मेरे आगे ही होता है और भाई मेरे पास था 3 नेड, तो इस्तेमाल करना तो बनता है यार। गया गया मैं। अब मैं भाई साहब यहाँ नेड पे नेड किए जा रहा था। मैं तो शॉटगन लेके हाथ में घूम रहा है। शॉटगन लेके घूम रहा आ गया। बंदे क्या करेगा, ये गया अभी गया। देखा मतलब कितना नीर गया। मैंने कहा था ना ये मरेगा। अब एक बार आप दोनों साइड का साथ में फाइट देख लो एक साथ दोनों वीडियो, उसके बाद खत्म करते हैं। अरे ये वही है प्लेन वाला बंदा। एक आगे एक पीछे, फिर इसका अच्छा सैंडविच बनेगा। गया गया मैं तो शॉटगन लेके हाथ में घूम रहा है। शॉटगन लेके घूम रहा आ गया। बंदे क्या करेगा, ये गया अभी गया। देखा कितना नीर गया। अब अगर शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखा है और भाई अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर देना। जो बंदे भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और भाई शानदार टिप्स भी चैनल है तुम्हारे भाई का, उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी एक दो दिन पे वीडियो में डाल ही देता हूँ। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।